गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको हिंदी किताब की कक्षा 9 की किताब की कविता सवैये के बारे में बताने जा रही हूँ। पिछला वीडियो में हमने देखा था पहले और दूसरे पद को, सवैये के पहले और दूसरे पद को देखा था, जिसके कवि हैं रसखान। तो जो हमने देखा था इसको मैं फिर से रिपीट करती हूँ, उसके बाद हम लोग तीसरे और चौथे सवैये को देखेंगे। तो पहले सवैये में हमने क्या देखा था, कवि रसखान को ब्रजभूमि से इतना मोह हो जाता है कि वे वहाँ जाकर बस जाते हैं और हिंदू धर्म की दीक्षा लेकर के वहाँ रहते हैं। और फिर वहाँ पर रहने के बाद उनको ब्रजभूमि से इतना मोह हो जाता है कि वे चाहते हैं कि अगले जन्म में यदि वे मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं तो चाहते हैं कि वे गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहें, ब्रजभूमि में ही गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहें। फिर वे चाहते हैं यदि उनका जन्म पशु के रूप में होता है तो कहते हैं कि अगर मैं पशु बन जाता हूँ तो गाय बनकर श्री कृष्ण के गायों के बीच में ही विचरण करता रहूँ। फिर वे अगर कहते हैं कि उनका जन्म पत्थर के रूप में होता है तो वे उसी गोवर्धन पर्वत का अंग या हिस्सा बनना चाहते हैं जिसको श्री कृष्ण ने अपने अंगुली पर इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए धारण किया था। फिर अगर कहते हैं अगर उनका जन्म पक्षी के रूप में हो जाता है तो पक्षी के रूप में जब जन्म होता है तो वे कहते हैं कि मैं उसी ब्रजभूमि में ही यमुना के तट पर कदम की डालियों के बीच में अपना बसेरा बनाऊं। दूसरे पद में हमने देखा था, कहा गया रसखान कवि ने कहा कि अगर कवि रसखान को श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले में वे तीनों लोकों के राज्य के सुख को छोड़ देंगे, वे तीनों लोकों के राज्य को छोड़ देंगे। फिर दूसरी लाइन में उन्होंने कहा दूसरे पद में कि उनको नंद की गायों को चराने के बदले में, अगर उनको नंद की गायों को चराने के लिए मिलता है तो नंद की गायों को चराने के बदले में वे संसार की आठों सिद्धियों और कुबेर की नौ निधियों को भी, उनके सुख को भी छोड़ देंगे। फिर वे कहते हैं कि उनको जब से उन्होंने अपनी आँखों से ब्रजभूमि की वन को, बगीचे को, तालाब को, वहाँ पर के करीब के कुंजों को, घने कुंजों को और उनका उन इन सभी चीज़ों को जब देखा है तो उनके मन में ऐसा लगता है कि वहाँ रहने के लिए, वहाँ निवास करने के लिए वे करोड़ों सुनहरे महलों को भी वे न्यौछावर कर देते। तो ये हम लोग पहले और दूसरे सवैये में देखे थे, अब हम लोग तीसरे और चौथे सवैये के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे और चौथे सवैये में कवि रसखान क्या बताते हैं, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं तीसरे और चौथे सवैये के बारे में। तो आइए हम लोग कवि रसखान के तीसरे सवैये को देखेंगे। तीसरे सवैये में कवि रसखान क्या कहते हैं, कवि कहते हैं मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गूंज की माल गरे पहराऊंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकूटी बन गोधन ग्वारिन संग फिराऊंगी, भाव तो वही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा ना धराऊंगी। इस पद में या इस सवैये में कवि रसखान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी के बारे में बताते हैं। इस पद में श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, मैं श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख से बने मुकुट को धारण कर लूँगी। सखी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं उनके समान मोर पंख से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूँगी, गूंजों से बनी माला को भी गले में पहन लूँगी, उनका रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी पहन लूँगी और हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ
मैं जंगल में भी चली जाऊंगी। अगर तुम कहती हो तो उस आनंदमय रसमय श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं सब कुछ कर लूँगी, सब तरह का रूप धारण कर लूँगी, उसके समान बनने के लिए सब चीज़ को मैं धारण कर लूँगी। लेकिन उनके होठों पर रखी मुरली को मैं कभी भी अपने होठों पर नहीं रखूँगी, क्योंकि इसी मुरली ने ही तो मुझे श्री कृष्ण से दूर किया है। क्या कहती है? एक गोपी, श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपी अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण की तरह बनने के लिए मैं मोर पंख से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूँगी, गूंजों से बने माला को भी अपने गले में पहन लूँगी, उनके समान बनने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण करके लाठी हाथों में लेकर के गायों और बालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी, जंगल में भी चली जाऊँगी। परंतु अगर तुम कहती हो तो जो कुछ भी उस रसमय कृष्ण का रूप धारण के लिए तुम जो जो करने कहोगी सब कुछ मैं करूँगी, लेकिन मैं एक चीज़ नहीं कर सकती, वो क्या है? परंतु श्री कृष्ण के होठों पर रखी, श्री कृष्ण के होठों पर रखी मुरली को मैं किसी भी कीमत में अपने होठों पर नहीं रखूँगी। क्यों? क्योंकि इसी मुरली ने ही मुझे श्री कृष्ण से दूर किया है। फिर अगले पद में, चौथे सवैये में कवि रसखान क्या बताते हैं? चौथे सवैये में रसखान कवि बताते हैं, इसमें भी एक गोपी श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि से मोहित होने वाली एक गोपी के बारे में बताते हैं। वो गोपी कहती है, कानिनी दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजई है, मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी, गोधन गए है तो गए है, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, काल ही केव कितनो समुझे है, माए री व मुख की मुस्कानी संहारी, न जय है न जय है न जय है। कानिनी दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहिनी तानन सो रसखानी अट्टा चढ़ी, गोधन गए है तो गए है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, काल ही केव कितनो समुझ है, माए री व मुख की मुस्कानी संहारी, ना जय है ना जय है। इस पद में एक गोपी बंशी, श्री कृष्ण के बंसी की ध्वनि या धुन पर मोहित होने वाली गोपी कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण धीमे धीमे और मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे, हे सखी, जब श्री कृष्ण धीमे धीमे और मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे, तब मैं अपने कानों में अंगुली रख लूँगी। जब श्री कृष्ण धीमे धीमे और मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली रख लूँगी और ताकि बंसी का मधुर मोहक स्वर मेरे कानों तक नहीं पहुँच पाए, मैं मुझे प्रभावित ना कर सके। कहती है गोपी कि यदि श्री कृष्ण मधुर और धीमे धीमे स्वर में बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली रख लूँगी ताकि बंसी का मधुर मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू ना चला सके। फिर आनंद सागर कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर चढ़कर, ऊंचे चढ़कर अपनी मोहिनी तान बजाता है तो बजाता रहे, है ना। आनंद सागर ये रसमय श्री कृष्ण, इसके बाद फिर जाकर के अट्टालिका पर महल की ऊंचाई पर चढ़ कर के ही क्यों ना बंसी बजाए तो वे बजाते रहे, इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। चाहे वे गोधन नामक गीत गाए तो गाता रहे, चाहे वे अट्टालिका पर चढ़ कर के अपने बंसी का मधुर स्वर मधुर तान बजाते हैं तो बजाता रहे, गोधन नामक
लोक गीत गाते हैं तो गाते रहें, लेकिन इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु यदि किसी प्रकार कृष्ण की बंसी का धुन मेरे कानों में पड़ गया, यदि किसी प्रकार कृष्ण की बंसी की ध्वनि मेरे कानों में पड़ गई, तो मैं ब्रज के लोगों से पुकार पुकार कर कहती हूँ, हे ब्रज के लोगों, मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि चाहे कोई मुझे कितना भी समझाए, हे ब्रज के लोगों, अगर बंसी की ध्वनि मेरे कानों में पड़ गई तो चाहे कोई मुझे कितना भी समझाए, मेरी मस्ती कम नहीं होगी। कहती है वो गोपी, हाय रे माँ, कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान, हाय रे माँ, कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता है। कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसकी जादू से बचा नहीं जा सकता है। इसका सुख मुझसे चाहकर भी संभाला नहीं जाएगा। उसके मुस्कान की मस्ती जो मुझ पर जादू कर जाएगा, तो उसकी मस्ती मुझसे चाहकर भी संभाला नहीं जाएगा। इस तरह से कवि रसखान अपनी कविता सवैये में गोपियों के बारे में तीसरे और चौथे पद में गोपी के उलाहना भरे स्वर को एक सखी से प्रकट करते हुए दिखाया है, दर्शाया है। धन्यवाद।